हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ विटामिन सी से भरा हुआ एक नाइट सीरम। फ्रेंड्स, सीरम हमारी स्किन में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट होता है, क्रीम से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सीरम पेनिट्रेट होता है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए सीरम बनाना लाई हूँ। इस सीरम को आप एक महीने तक भी अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ऐसा सीरम लेके आने वाली हूँ जो एक महीने तक आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब आपका 15-15 दिन में या एक वीक में बनाने का झंझट खत्म। हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए। मैं समझती हूँ वीडियोस भी आप पूरे नहीं देख पाते होंगे क्योंकि हम लोग सभी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो अपने स्किन का ख्याल रखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये होममेड विटामिन सी सीरम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको होममेड चीज़ें ही बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बाज़ार की महंगी महंगी क्रीमें हम लाते तो हैं लेकिन एक बार ले आते हैं फिर हम उनका रेगुलर यूज़ नहीं कर पाते, तो क्यों ना हम कुछ घर में ही ऐसा ट्राई करें जो हमें बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दिखाए, ज़्यादा अच्छा असर दिखाए, हमारी स्किन पर ग्लो भी लाए और साथ में हम श्योर हो कि इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाए क्योंकि हमने खुद ने इसको प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस सीरम को किस तरह से बनाना है और कैसे इसको लगाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खीरा ककड़ी का जूस लिया है। इसमें सल्फर होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और स्किन को प्रोटेक्शन देने वाले ह्यूमक्टेंट्स होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ग्रीन टी का। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करती है और स्किन को रिजुवेनेट करने के साथ साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो आपकी स्किन को लिफ्ट भी करेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड एलोवेरा जेल। होममेड एलोवेरा जेल एलोवेरा को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से पॉइजन फ्री करके और फिर उसका यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो उसको आप ज़रूर चेक कर लेना। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन सी सीरम हम बना रहे हैं लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल्स क्यों इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि विटामिन सी जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है उसका, तो विटामिन ई को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन को वो रिड्यूस करता है, इसलिए हम विटामिन ई का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा दिन तक आपका सीरम टिकेगा, इसको आप एक महीने तक भी रख सकते हैं। तो मैंने कम से कम 4 कैप्सूल यहाँ पे लिए, 4 से 5 कैप्सूल आप इसके यूज़ कर सकते हो अगर आपके एक एक चम्मच के बराबर अगर आप सीरम यहाँ पे बनाने जा रहे हो तो। इसको विटामिन ई के कैप्सूल्स ईजिली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, इसको लाके और इसके अंदर जो जेल होता है उसको आप अच्छी तरह से इसमें यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रोज़ वाटर बहुत ही अच्छी कंपनी का कामा आयुर्वेदा का यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा असर दिखाएगा क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ये एकदम ओरिजिनल होता है। अगर आपके पास कामा का रोज़ वाटर नहीं है तो आप सिंपल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का। ये मार्केट का है, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो। आप इसको घर में भी बना सकते हैं सुखा के। तो यहाँ पे सारे लिक्विड की क्वांटिटी आपको सेम रखना है लेकिन जो संतरे के छिलके का पाउडर है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना है ताकि आपका सीरम थिक हो के पैक नहीं बन जाए, ये सीरम रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर मिक्स किया, इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स लेना है ताकि इसके गिठाने नहीं बने। और इस सीरम को रोज रात को आपको फेस वॉश करने के बाद में लगाना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये हमारा सीरम रेडी हो गया है। इसको फेस वॉश करके अच्छी तरह से आपको रात भर लगा के रखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये सीरम कैसा लगा है। तो कैसा लगा आपको ये सीरम कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने और वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं तो उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो चलती रहती है लेकिन एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, अगर आपको ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज और योगा ज़रूर कीजिए। दूसरी बात है चेहरे पे लाखों की स्माइल करते रहिए क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से खुश रखती है। अगर आप हंसते रहते हैं
हैं तो आपके स्किन पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्लो लगेगा। आप ट्राई करके देखिए, मुरझाए हुए चेहरे से ज़्यादा हंसता हुआ चेहरा ज़्यादा सुंदर लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ चलो जल्दी से स्माइल करो, स्माइल बहुत सारी एक प्यारी किसी स्माइल के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए, मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ एंटी एजिंग वाला, तो मेरे चैनल को देखते रहें।